एक किलो का बटर लग जाते एक बारी में? 500 बटर, आधा किलो, 500 ग्राम, हाँ आधा किलो एक बारी में लगता है, एक बार में लग जाता है। 11 लोग सेम डोसा खा रहे, कोई तो बात होगी खतरनाक। एक तो 16 डोसे एक साथ बन रहे हैं, उसके अंदर से भी 11 डोसे सेम टाइप के बन रहे हैं, कैसे पता ये पाव भाजी है? सर आप मसाले डालेंगे उससे? अच्छा, भर भर के डालते हैं चीज़ बटर, तो मुझे भर भर के डाल रहे हैं, लोडेड बनता है। क्या चीज है, कहाँ पे आए हैं? मेरे पीछे है अन्ना डोसा, बड़ोड़ा में हम लोग आपको डोसा दिखा रहे हैं, अलकापुरी में। प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब बताएंगे, वीडियो एंड तक देखना, मजा आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वेजी बाजी को सब्सक्राइब करके। वेजिटेबल में ले लीजिए, स्प्रिंग मैसूर बढ़िया आएगा। ये अन्ना डोसा का डोसा लग रहा है, एक बारी में कुछ बता रहे हैं 16 डोसा एक साथ ही में बनते हैं। मतलब इसका शुरुआत हुआ एक्चुअली, ये काफी साल पहले हमारे पास तेलंगाना आए थे, हाँ, तो उन्होंने ओपनिंग किया था इसका। अच्छा, तो हमने उनका नाम रखा, उसके बाद तो उनका नाम आया नहीं कभी, तो चला उसके बाद हमें वैसे ही रखा अन्ना ने जैसा बना के दिया था। क्या प्रॉपर एड्रेस क्या पड़ता है इसका? इसका है अलकापुरी, मेन बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बड़ौदा में, मेन बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अलकापुरी में, उसके सामने शाम को लगता है। टाइमिंग शाम के 7 से 11, 7 से 11 में। एक हमारा भी लगा देना, वो स्प्रिंग वाला, कौन सा बोले? स्प्रिंग मैसूर, स्प्रिंग मैसूर, वेजिटेबल्स वगैरह रहेगा, मस्त फुल वेजिटेबल, पूरी फुल वेजिटेबल आता है, ठीक है, बढ़िया आता है। अभी ना इनको ये वाला स्टेज बनाने देते हैं, फिर समझते हैं कौन कौन सी स्टफिंग लग रही है आज के ऑर्डर में। पूरा तवा भर दिया अच्छे से, लोडेड पूरा तवा भर दिया इन्होंने, खतरनाक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब कौन कौन से ऑर्डर लग रहे हैं वो बताएंगे, भैया बताएंगे सर। हाँ, अभी क्या बटर अपने कम्प्लीट होने के बाद बता देते। मक्खन पे मक्खन पड़ रहा है, ये डोसा ना जब अभी पीछे इसका बैच निकल रहा था, मैं रख के देख रहा था, इतना ज्यादा मस्त पटरी। एक किलो का बटर लग जाते एक बारी में? 500 बटर, आधा किलो, 500 ग्राम, हाँ आधा किलो एक बारी में लगता है, एक बार में लग जाता। अब ये ऑर्डर लग रहे हैं लोगों के कस्टम, एक इन्होंने बेस बना दिया है, बटर सब में पड़ रहा है, सादा मतलब बटर लोडेड, एक्स्ट्रा बटर के साथ मसाला पड़ा है, गार्लिक मसाला। यहाँ पे बता रहे हैं आधे आधे घंटे की वेटिंग रहती है। ये कौन सा वाला है? ये अनियन मसाला है सर। अनियन मसाला जी सर। ये सारे 200-250 वैरायटी के जो भी डोसे हैं, सब आपको आइडिया रहता है कौन सा? सब सब आइडिया, सब सब। कितना टाइम से आप, कितने टाइम से बना रहे हैं? मैं सर यहाँ पे 12 साल से बना रहा हूँ, तो फिर तो आइडिया होगा सारा, पूरा आइडिया सर। एक पाव भाजी, बाकी सब कितने सारे? 4, 4, 8, 10, 11। मेरे को भी एक 11 वाला डोसा ही कर देना। 11 लोग सेम डोसा खा रहे हैं, कोई तो बात होगी, खतरनाक। एक तो 16 डोसे एक साथ बन रहे हैं, उसके अंदर से भी 11 डोसे सेम टाइप के बन रहे हैं, स्प्रिंग अनियन मैसूर मसाला डोसा। पहले सब में स्प्रिंग अनियन पड़ा, वेजीज पड़ी है, अनियन, कैप्सिकम, क्या मस्ती से बना रहे हैं भाई। इसको तो आप देखो एक बार, मतलब थोड़ा अल्ट्रा वाइड में देखो इसको, तो मज़ा आएगा। क्या व्यू, कितना ब्यूटीफुल आ रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है इसको। पाव भाजी वाला लगा ना इसमें? हाँ लगा है ना सर। ये कैसे पता ये पाव भाजी है? सर आप मसाले डालेंगे उससे? अच्छा, बेस सेम है? बेस सेम है, थोड़ा सा अलग होता है। ये यहाँ का स्पेशलिटी लग रहा है, सब लोग यही खा रहे हैं। गार्लिक पेस्ट है, ये सारी रेसिपी किसकी है? वो कहाँ है अन्ना, आजकल कहाँ है वो? वो अच्छा है ना, बहुत सर मैं ऐसा जो है ना, पहले अंबानी जी काम करता था बहुत पहले, हाँ वहाँ से ना एक ऐसा था ना, हाँ उसके लिए क्या था, अपना होटल खोला था, पता था। अच्छा, तो मैं
तो अल्लाह की देन थी आपको क्या चीज देंगे और आपकी भी अच्छी बात है उनका नाम आपने नहीं रखा यहाँ मतलब उन्होंने सिखाया है अच्छा बात मैसूर वाला जो स्प्रिंग अनियन मैसूर मसाला डोसा क्या खाते हैं इसमें तो 10 लोग एक ही खा रहे हैं चीज मिल रहा है ना हाँ देख रहा बहुत लाइक करते क्या दाम है इसका मैसूर मसाला का क्या दाम है 140 खतरनाक छह मैसूर में चीज बोले वो चीज कटवा दे चीज कटवा ले तो चंदन चीज कटवा लेना भर भर के डालते चीज बटर तो मुझे भर भर के डालने लोडेड बनता है एकदम लोडेड बनता है दो जन मिलके खाते होंगे हाँ हाँ सर खा सकते हैं ऐसा तो एक बंदा खाए तो उसका पूरा मस्त डिनर हो जाए हाँ सर क्या टाइम क्या रहता है इधर टाइम 7 से 11 रात के वो बाबा जी सादा अनियन सादा ये नॉर्मल ऑर्डर निकलने दो विकास भाई ये अनियन मसाला यार तो ऐसे पूरा डोसा भी बना सकते हो पूरे तवे का हाँ सर पूरा बनता है ना फैमिली डोसा होता है ना अच्छा बनता है वो कितना बड़ा होता है वो सर 4 फीट का होता है 4 फीट का पूरा ये तवा है सही पूरा तवा वो जब खाते हो वो बनाते हो एक ही तब बनता होगा एक बारी में हाँ सर क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता तो उतना नहीं बनता है हाँ बाकी उसका डिमांड होता है बनाने का ये पाव भाजी मज़ा आ रहा है देखते हुए और कुछ चीज़ें होती है ना खाने से पहले पता चल जाता है कि वो स्वाद होने वाली है जिस वन ऑफ देम जिस नज़ाकत से मज़े से बनाया है ना विकास भाई ने बढ़िया ये अपना विदाउट चीज बाकी हो रहा है क्या रहा है चटनियाँ इसके साथ दी पे आई डोंट थिंक ज़रूरत है बिकॉज अपने आप में इतना रिच है और जब ये बन रहा था ना द अमाउंट ऑफ बटर वेजिटेबल्स मसालास आलू एवरीथिंग जो इस डोसे के अंदर पड़ा है ना इज सो होलसम ना कि आप इसको अपने आप में खा जाओगे आई थिंक एक बंदा नहीं दो बंदे लगेंगे खाने के लिए बट जब खाओगे ना तो बोलोगे मज़ा आया कोई तो बात होगी कि भाई सब लोग आके एक ही चीज़ दे रहे हैं एंड मुझे उस दुकान की एक और चीज़ अच्छी लगी कि बता रहे हैं कोई अन्ना थे जिन्होंने बहुत सालों पहले ये रेसिपीज इनको सिखाई थी और अभी तक इन्होंने वही नाम रखा हुआ है अन्ना डोसा और वो पहचान बन गया उनको रिकग्निशन दिया कि भाई आपने सिखाया तो आपका नाम हमने यूज़ किया डोसा एकदम क्रिस्पी है एकदम स्प्रिंग अनियन का टेस्ट आ रहा है सांभर टेस्ट करते हैं चटनियाँ तो थोड़ी लिक्विडी है बट ऐसे डोसे के साथ ज़रूरत भी नहीं है सांभर इज़ ऑल्सो नाइस बट आई एम टेलिंग यू ये अपने आप में उठाओ सैंडविच की तरह खाओ आपको कुछ और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है टूडेड मज़ेदार चटपटा टेस्टी सारे बढ़िया वाले एडजेक्टिव इस डोसे के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वेजी भाजी को सब्सक्राइब करना बढ़िया खाना आता है आपके लिए मज़ेदार बात करेंगे किसी और वीडियो में कुछ और बेहतरीन खाना दिखाते हुए